नवरात्रि पर्व पर माता मंदिरों में भारी भीड़ होती है। ऐसे में अमेठी जनपद में अमृत कुंड पर विराजमान मां कालीकन धाम का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि संग्रामपुर ब्लॉक मुख्यालय के स्थित सिद्धपीठ कालीकन धाम में हजारों की संख्या में भक्त पूजा अर्चना के लिए मां के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। आस्था व विश्वास के प्रतीक मां कालीकन धाम में नवरात्रि पर्व के साथ प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को कोने कोने से श्रद्धालु माता रानी का दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके साथ ही माता मंदिरों में मां प्रसाद वितरण और अन्य चीजें भी करते हैं। इसके साथ ही यहां पर मां भवानी को टिकरी चढ़ाने की भी प्रथा कायम है। मंदिर परिसर में स्थित अमृत सरोवर अमृत कुंड के रूप में विराजमान है। आपको बता दें कि मां कालीकन धाम का काफी प्राचीन इतिहास है और इस मंदिर की विशेषता इतिहास और पुराणों में भी दर्ज है। कालीकन धाम मंदिर को लेकर मंदिर के पुजारी श्री महाराज बताते हैं कि इस मंदिर की महिमा अपार है। मां स्वयं अमृत कुंड पर विराजमान है और यहां की महिमा बेहद अपार है। अमृत कुंड पर विराजमान शक्तिपीठ मां कालीकन धाम की विशेषता इतनी कि यहां पर दूर दराज से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए नवरात्रि पर्व पर आते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को यहां पर भक्तों की भारी भीड़ होती है। यहां पर जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी मुराद लेकर आता है, मां भवानी उसे वापस नहीं जाने देती और उसकी झोली भर देती हैं। खास बातचीत में श्री महाराज ने मंदिर की महत्ता और आस्था को लेकर न्यूज 18 लोकल से बातचीत की है। आइए मंदिर के पुजारी श्री महाराज से ही जानते हैं कि कालीकन धाम का क्या इतिहास है और इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं। आखिर क्यों कालीकन धाम में भक्तों का तांता लगता है, क्योंकि भारी भीड़ है। क्या क्या महत्व है मां कालीकन धाम का? मां कालिका स्वयंभू है, इनकी स्थापना नहीं हुई है। स्वयं अमृत की रक्षा के लिए संतों मनीषियों देवताओं की आराधना पर प्रसन्न होकर के, स्तुति पर प्रसन्न होकर के मां भगवती उस अमृत कुंड पर स्वयं पाषाढ़ स्वरूप हुई हैं और इनकी स्थापना जो है देवताओं के द्वारा अमृत की रक्षा के लिए हुई है। ये ईसा पूर्व की बताई जाती है, जिनका लेख सुख सागर में, देवी भागवत में, कालिका पुराण में नवे स्कंद के तीसरे अध्याय में है। और ये महाश्यवन जी की तपस्थली रही है, गंगा सरजू का मध्य है ये। यहाँ से दक्षिण में जितनी दूरी पर गंगा जी स्थापित हैं, उत्तर में उतनी दूरी पर सरजू जी स्थापित हैं। तो गंगा सरजू योर मध्य, और ये माँ भगवती का आज ये पर्व शैलपुत्री के रूप में पूजा जा रहा है। प्रथमम शैलपुत्री च, तो शैलपुत्री का पूजन करने से सुख समृद्धि शांति प्राप्त होती है। आराधना लोग इसीलिए आज जो है माँ भगवती का आराधना करते हैं, क्योंकि यहाँ से दूर दराज के भक्त आते हैं, कई जिले के अंतर जनपदीय, अंतर प्रदेशी और विदेशों के भी लोग यहाँ आते हैं, पाठ संकल्प आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं। कुछ लोग हैं अखंड ज्योत जलवाते हैं, इस वजह से प्रथम दिन सभी लोग आकर के माँ भगवती के यहाँ दुर्गा सप्तशती पाठ संकल्प करते हैं, इसलिए विशेष भीड़ हो गई है।